जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे FCI रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो FSSAI यानी कि एक तरीके से भारतीय खाद्य संरक्षा और मानव प्राधिकरण का ये उपक्रम है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो FSSAI वैकेंसी है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर और क्लर्क के पदों पर निकली हुई है। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है आप कंप्लीट, यहाँ पे पूरे के पूरे ये जो चारों पाँचों वैकेंसीज है, पाँचों टाइप की वैकेंसीज, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। MTS वाली वैकेंसी भी इसमें शामिल है। ऑल ओवर इंडिया ये जो भी महिला और पुरुष दोनों ही यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों बात करेंगे FSSAI यानी कि ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक तरीके से भारत सरकार का ही उपकरण है, यानी कि एक तरीके से डिपार्टमेंट है। FSSAI FCI की तरह ही ये एक तरीके से फूड अथॉरिटी, जो भी मतलब फूड सेफ्टी असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, ये वैकेंसीज निकलती है, इसी के अंडर निकलती है। तो इसमें ये जो वैकेंसी निकली हुई है चार तरह की, फूड सेफ्टी असिस्टेंट में 3,120 पद है, फूड इंस्पेक्टर के 2,100 पद है, क्लर्क के 5,444 और हेल्पर के यहाँ पे 2,450 पद है। तो ध्यान रखना ये जो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, ये 2023 की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। और फूड सेफ्टी असिस्टेंट की ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इसको नीचे में स्क्रॉल करके आपको डेट बता देता हूँ। ध्यान रखना 1/1/2023 को आपको जो भी एज लिमिट मांगी गई है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि मैं बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका, कि शैक्षणिक योग्यता में फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपकी बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है, ग्रेजुएशन यानी कि किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। फूड इंस्पेक्टर में सेम वही क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है। फूड सेफ्टी असिस्टेंट के लिए अगर मैं बात करूँ, 12th क्लास पास मांगा गया है और हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान आपको अनिवार्य है। क्लर्क के लिए 12th क्लास पास है और वहीं हेल्पर या पियून के लिए 10th क्लास पास मांगा गया है। तो ये पांच तरह की वैकेंसी निकली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13,200 या 100 के आसपास, यहाँ पे 13,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है एक तरीके से। इसके अलावा इसकी डेट्स की अगर मैं बात करूँ, ध्यान रखना 1/1/2023 को आप 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। 5 साल और 3 साल का छूट है यहाँ पे ओबीसी SC ST और OBC वालों को। FCI की ऑफिशियल वेबसाइट FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, ये .gov.in करके। और इसमें डेट्स की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे डेट्स बता देता हूँ आपको, जो डेट्स रहेंगे वो नीचे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। एक तरीके से ₹250 के चार्जेस के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के पद पर, या फिर जिस पे भी पद पर आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए। डेट्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसी में नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है, ये आपके साफ साफ लिखा है 27/2/2023, ये ध्यान रखना। तो ये आप 27/2 से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद।